हेलो विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 हवे नवा विद्यार्थीओ धोरण 11 में ज्यारे इकोनॉमिक सब्जेक्ट भणता होय त्यारे ने अर्थशास्त्र एक विषय नवो लागे छे। हाँ, तमे सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र विषय भण्या छो, छतां पण अर्थशास्त्र विषय नी अमुक मुद्दाओथी तमे माहितगार न होय तो अर्थशास्त्र विषय ने अपने समझवो हो तो अर्थशास्त्र विषय ने कई रीते आप समझी शक तो एना माटेना त्रण परिमाणों जेने आप कही त्रण महत्वना मुद्दाओं जेना अर्थशास्त्र विषय आखो पूरो थी जाए, अर्थशास्त्र विषय समझी शक। तो ये त्रणे मुद्दाओ क्या है तो यहाँ आप आज जे त्रीजू प्रकरण भणवाना छे मांग, ए बीजो मुद्दो छे ए डिमांड पछी सप्लाय एटले के पुरवठो, त्रीजो मुद्दो छे ए किंमत जेने आपणे इंग्लिश में कही छे प्राइस। आ त्रण महत्वना मुद्दा ने आपणे समझी जोईए तो अर्थशास्त्र विषय ने समझवामां तमने कोई पण खामी नथी लागती। जेमां आपणे सौ प्रथम मांग विषे समझीए तो मांगनो सौ प्रथम आपणे अर्थ जोईए तो अर्थ में आपने पांच मुद्दाओ आपेला है, जे पांच मुद्दाओं ने तमे समझी जाओ तो मांग शब्द पूरो थी जाए। ये पांच शब्दों क्या है तो तमे अर्थ में तमे वाँचो तो तमने खबर पड़ जाए। अहीं हूँ तमने मात्र एना पांच मुद्दाओं पांच जे है ये शब्दों बोलूँ छू। एम सौ प्रथम से चौक्कस किंमत, प्रथम बाबत है चौक्कस किंमत, बीजी बाबत छे चौक्कस समय चौक्कस किंमत, त्यारबाद त्रीजी बाबत छे खरीदवानी इच्छा, त्यारबाद चौथी बाबत छे खरीदवानी शक्ति अने छेल्ली बाबत छे खरीदवानी तैयारी। एटले पांच बाबतो थई, कई कई पांच बाबतो? चौक्कस समय, चौक्कस किंमत, खरीदवानी इच्छा, शक्ति अने तैयारी। आ पांच शब्दों ज्यां एकत्र था एटले के आ पांचे बाबतो फरजियात, कोई एक बाबत ने आपणे जे छे नकारवानी नथी, एक बाबत ने नकारीए तो डिमांड पूरी थती नथी एटले के मांग शब्द पूरो थतो नथी। पांचे बाबतो ज्यां एकत्र थाय छे त्यां मांग पूरी थई जाय, बराबर। फरीवार हूँ तमने कही दो, पांचे बाबतो ने आपणे समजवानी छे जेमां चौक्कस समय, चौक्कस किंमत, खरीदवानी एटले के ग्राहक ने खरीदवानी इच्छा, शक्ति अने तैयारी, एटले तमारो शब्द मांग पूरो थई गयो। हवे बीजू अहीं आपने बाबत आपी छे वस्तुनी मांग ने असर करता परिबळ, तो वस्तुनी मांग ने असर करता परिबळो क्या छे तो आपने बे प्रकारना निर्णायक परिबळो छे, जेमां प्रथम परिबळ छे मुख्य जे निर्णायक परिबळ आपणे गणी शकाय वस्तुनी किंमत। वस्तुनी किंमत सौथी वधारे मांग ने असर करनारू परिबळ छे। कई रीते जोईए आपणे तो वस्तुनी मांग पर सौथी वधु असर करनारू अने खूब ज अगत्यनू परिबळ ए जे ते वस्तुनी किंमत छे। कारण के जेम वस्तुनी किंमत घटे एम वस्तु सस्ती बने अने तेथी वस्तुनी मांगनू शुं थाय छे विस्तरण। જ્યારે વસ્તુની કિંમત વધતા વસ્તુ મોંઘી બને છે તેથી માંગનું શું થાય છે સંકોચન। આમ વસ્તુની કિંમત અને વસ્તુની માંગ એકબીજા સાથે વ્યસ્ત રૂપે સંકળાયેલા છે જેથી કહી શકાય કે વસ્તુની કિંમત અને વસ્તુની માંગ પર સૌથી વધુ અસર કરનારું નિર્ણાયક પરિબળ ગણી શકાય। તો અહીંયા આપણે વસ્તુની કિંમત કઈ રીતે અસર કરનારું પરિબળ ગણ્યું તો કે વસ્તુની કિંમત જેમ ઘટે એમ ગ્રાહકની માંગ કરવાની શક્તિ શું થઈ જાય છે વધી જાય છે એટલે વિસ્તરણ થાય છે। જેમ કિંમત વધે એટલે વસ્તુ મોંઘી થઈ જાય છે એટલે ગ્રાહક વસ્તુ ખરીદવાની ઈચ્છા કેવી કરી નાખે છે ઘટાડી દે છે એટલે સંકોચન થાય છે, બરાબર। અહીંયા આપણે આજે છે વસ્તુની કિંમત નિર્ણાયક પરિબળ ગણી શકીએ છીએ।